नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत बड़ी खबर आ रही सूत्रों के हिसाब से कि डीजीटी दो बदलाव करने के मूड में है और सीरियस है इसमें। एक तो ये है, इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि जो सर्टिफिकेट स्टूडेंट डायरेक्ट अपने प्रोफाइल से निकाल लेते थे, अब वो नहीं निकाल पाएंगे, अब वो आईटीआई के वाला ही देगा आपको, क्योंकि उस पे बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि स्टूडेंट फीस नहीं देता है और इसके कारण जो है तो आईटीआई जो है तो गर्त में चली जा रही है, आईटीआई नुकसान पे चली जा रही है और इस पे स्टूडेंट निकाल लेता तो बहुत सारी फीस वो हो जाती है। तो इस पे डीजी जो है तो कार्रवाई करने के लिए सोच रही है, इस पे रिव्यू ले रही है, इस पे करेगी। दूसरी चीजें बहुत बड़ी एक जो आ रही है, हालांकि इस पे सुधार हो गया है कि अब जो है तो डीजीटी स्टेट डायरेक्टर और नोडल के पर काटने वाली है, उनसे बहुत सारी चीजें खुद रखने वाली है अपने पास। जैसे पहले ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ता था, तो अब ईडी वाला नंबर तो चढ़ेगा नहीं, चूंकि वो थ्योरी पे चला गया है, थ्योरी वाले पार्ट पे चला गया है, तो डीजीटी के पास चला गया डायरेक्टली। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल वाला है वो अब डीजी स्वयं लेने के मूड में है या आईटीआई को देने के मूड में है, लेकिन नोडल को नोडल के हाथ में बिल्कुल भी देने के इच्छुक में नहीं है। इस पे बहुत बड़ी बहस और बहुत बड़ा प्लान चल रहा है जो बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को न्यूज मिलेगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोडल वाले घूसखोरी से मानते नहीं हैं और आईटीआई और नोडल का एक रिलेशन चलता है। रिलेशन जब खराब होता है तो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। जैसे अभी भी बता रहा हूं कि ये लास्ट टाइम 20 जून को किया है डीजीटी ने, कि नोडल वालों फिर से एक बार भैया नंबर चढ़ा दो जिन लड़कों का ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है। अभी भी मैं बता दे रहा हूं कि नहीं चढ़ने वाला है, कुछ का हो जाएगा और कुछ का नहीं होगा, तो वो लड़के अब सप्लीमेंट्री के अलावा कुछ नहीं होंगे। तो इस शिकायत को देखते हुए इसको गंभीरता से लिया गया, क्योंकि ये शिकायत मैंने पीएमओ तक किया था और पीएमओ में मैंने लेटर दिया था, आप पिछला वीडियो में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पीएमओ को और उनको स्पष्ट रूप से लिखा था कि नोडल और स्टेट डायरेक्टर की उदासीनता के कारण लड़कों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो इस पे डीजी ने देखा और अग्रवाल जी ने देखा, जो सेक्रेटरी हैं, और बाकी अधिकारियों ने देखा, जयप्रकाशन जी, विद्यानंद जी ने देखा कि वास्तव में बार बार मेल करने पर स्टेट डायरेक्टर डेटा क्यों नहीं भेज रही हैं। तो इसमें देखा गया कि जो नोडल के अधिकारी हैं उन्होंने गलतियां की हैं, कुछ तो कोरोना के चलते जो नंबर चढ़ाने थे वो नंबर नहीं चढ़ाए गए, कुछ जो है तो जो कर्मचारी गए थे वो बैठे रहे, कुछ लोग स्पष्ट रूप से, मैं कहता हूं, मैं तो झूठ बोलता नहीं, मैं सही सबूत के रूप में कहता हूं कि आईटीआई वालों ने भी चढ़ोतरी चढ़ाई नहीं तो डेटा चढ़े नहीं, वो इंतजार करते रहे कि आईटीआई वाले आएगा और वो एक अच्छा खासा जो है तो लड़कों के हिसाब से नंबर जाते हैं और नंबर और प्रसाद जाते हैं, वो गए ही नहीं, अब वो नंबर गायब हो गए। तो अब नोडल वाले करे तो करे क्या, एक बहाना नोडल वाले ये कर रहे हैं कि वो नंबर नहीं दिख रहा है या वो वेबसाइट पे उनका नाम नहीं आ रहा है। तो इस संदर्भ में नोडल ने क्या, नोडल ने डीजीटी को या अपने स्टेट डायरेक्टर को लिखा, और अगर लिखा है मेल तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की, इसके दोषी स्टेट डायरेक्टर या फिर डीजीटी थी, कौन आदमी था, और इस पे स्टूडेंट ही क्यों मरे, इसमें स्टूडेंट का ही भविष्य क्यों खराब हो, और जिसने भविष्य को खराब किया है उसके कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नोडल के जो अधिकारी थे वहां के उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया या उनपे कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ऐसे में बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ होता चला जा रहा है, हर महीने हर दिन उनको काटने में, अब रात काटने में भी अपवाद हो रहा है। अब सोचिए अगर इनके बच्चे होते तो क्या, चलिए प्राइवेट की बात तो छोड़ दीजिए, आप गवर्नमेंट के भी जो लड़के हैं ईडी और प्रैक्टिकल वाले, सौ सौ लड़के एक एक आईटीआई से या तो फेल कर दिए गए हैं या उनके डेटा नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि लड़कों से मांगा गया, लड़कों ने नहीं दिया,
तो वहां के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। अब बताइए, ऐसे तो हाल है सिस्टम का, और सरकारें कितनी अच्छी काम कर भी रही हैं, तो यहां जो नीचे बैठे हुए हैं अफसर, अगर यही नहीं काम करेंगे तो फिर क्या होगा? तो मेरा सवाल है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और डीजीटी जो बदलाव कर रही है, अब डीजीटी ने डंडा चलाया, 20 तारीख को देखने के बाद रिजल्ट सप्लीमेंट्री में घोषित हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अब रिजल्ट सप्लीमेंट्री हो जाओगे आप लोग, जिनका नहीं आया ना, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं 25-26 तारीख तक या 30 तारीख तक आप लोगों को देख लो, और नहीं तो आप, मैं तो आपको कह रहा हूं कि यार मेरी बात मानो, सप्लीमेंट्री की तैयारी करो, पास हो गए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए, मैं भी अपने तरफ से नोडल वालों को, जिनके पास है नंबर, उनको मैं फोन कर रहा हूं और वो सुन नहीं रहे हैं, वो अपनी अपनी मनमानी करते हैं। तो देखिए, आत्मा जो है ना, तो फिर वो बिल्कुल वो हो गए। डीजीटी हो तो मैं सब बातें कर लूं, मैं स्टेट डायरेक्टर और नोडल से मैं बहस नहीं कर सकता हूं। प्लीज यार भाई, मैं थक गया हूं इनको, और आप लोगों को बोला कि कम से कम इनके यार रिकॉर्डिंग करके तो भेजिए, तो आप लोग डरते हो यार, इनकी रिकॉर्डिंग करिए, इनकी सब कुछ करके भेजिए, बताइए तो दिखाया जाए, तब ये सुधरें। अब हालांकि ये सब करने के बाद डीजीटी डंडा चला रही है, इनके हाथ से सारा पावर ले लेगी, अब देखते हैं कि किसको देगी। हमको तो लगता है कि डीजीटी को प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाने के लिए आईटीआई वाले को दे देना चाहिए भैया, या तो फिर जो प्रैक्टिकल चढ़ाता है आदमी आता है, वही तुरंत ही आईटीआई वाले के साथ में बैठ करके प्रैक्टिकल का एग्जाम ले और चढ़ाए, और इसके लिए चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट का एक आदमी भी हो और आईटीआई वाले के देखरेख में नंबर चढ़ना चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए भाई भाई लड़के ने क्या पढ़ा है, वो आईटीआई वाले को भी तो जानना चाहिए। और उसी समय पर भाई ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन है, तो उसी समय पर आईटीआई वाला अपने लड़कों का नंबर चढ़वाए। भाई एक जो एग्जाम लेने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाले जो दो लोग आए हैं, तो तीन लोग कर दो और एक आईटीआई वाले को कर दो, चार लोग हो, लड़कों का नंबर उनके सामने हो, फेल हो, जो लड़का फेल है तो फेल है, जो लड़का पास है तो पास है, इसमें ना पैसे लेने की गुंजाइश रहेगी ना कुछ रहेगी, तुरंत लड़का कर रहा है, तुरंत लैपटॉप में बैठिए, सिस्टम पे बैठिए और उसका नंबर चढ़ा दीजिए, अप्रूवल कर दीजिए। अब लड़के की स्किल के ऊपर है कि लड़के को कितना आता है कितना नहीं आता है, अगर लड़का रोज आईटीआई आएगा, पढ़ेगा, प्रैक्टिकल करेगा तो नंबर पाएगा, नहीं आएगा, नहीं फीस देगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो ये सिस्टम करना चाहिए, और इसके लिए बोल भी दिया गया, और इस पर डीजीटी सुनवाई कर भी रही है, देख भी रही है। तो दो बदलाव होने वाले हैं, जो बहुत बड़े बदलाव, जो आपके लिए बहुत सही रहेंगे, कुछ स्टूडेंट के लिए नुकसान भी होंगे, कुछ आईटीआई वाले को नुकसान होंगे, इसलिए नुकसान होंगे कि फर्जी आईटीआई वाले जो टीचर नहीं रखते थे, पढ़ाते नहीं थे, सामान नहीं है, तो फिर वो कैसे करेंगे, तो इसका विरोध भी करेंगे और विरोध होना चालू भी हो जाएगा, जायज भी है भाई उनका विरोध होना, क्योंकि अब वो माफिया हैं। और सरकार जो है तो धीरे धीरे अंकुश लिया रही है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो एक और चोट आने वाली है, 2023 तक में बहुत सारी 70% आईटीआई बंद हो जाएंगी, उस पे बनेगा वीडियो, देखते रहिएगा कि क्या क्या, अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए आईटीआई वालों, अभी से कर दीजिए, और नहीं तो देखिएगा फिर कहेंगे कि बीरेश सिंह का शो है, शो चलता है उनका, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को, स्टूडेंट को बता रहा हूं कि थोड़ा सा जो ग्रेस मार्स वाला है, रुक जाइए, आज जो है तो संडे तक रुक जाइए, मतलब माने मैं आपको कल बताऊंगा, मंडे को मैं बताऊंगा आपको, मंडे को जो सुबह वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि किसको मेल करना है, क्या क्या मेल नहीं करना है, उनको बात कर रहा हूं मैं, ग्रेस मार्स वालों का, बाकी वाले वेट करिए। और ईडी प्रैक्टिकल वाले जिनका नंबर नहीं है, तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ, उनको 30 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 तारीख तक जो है तो डेटा चढ़ाने की डेट है, अब शनिवार इतवार तो चढ़ेगा नहीं भाई साहब, मंडे को ही चढ़ेगा, इसके बाद चढ़ने के बाद अप्रूवल के लिए जाता है, वो अप्रूवल के लिए जाएगा स्टेट डायरेक्टर के पास, स्टेट डायरेक्टर भेज देंगे तो आईटीआई के उनके पास जाएगा, डीजीटी के पास जाएगा, डीजीटी से फिर वो विप्रो पे जाएगा, तो एक हफ्ता 10 दिन लगता है, तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट फिर इसके बाद आ जाएगा। नहीं आता है रिजल्ट ना, तो अपने आप को सप्लीमेंट्री मान लेना, ईडी प्रैक्टिकल वाले, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम आएगा, मैं तो बता रहा हूँ 5% भी हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ग्रेस मार्स वाले बहुत सारे लोगों का हो गया, रोज अपडेट हो रहा है,
और नहीं होता है जिनका जिनका, तो मंडे को मैं बताऊंगा। आज भी लगा हूँ, आज शनिवार इतवार को, अब देखो डीजीटी छुट्टी रहेगी तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आज आने दीजिए, चूँकि शनिवार इतवार को कोई न्यूज नहीं आएगी। पर्सनल मैं विद्यानंद जी से बात करके उनको बताऊंगा कि क्या चीज़ें आ रही हैं, तो आपको फिर ये चीज़ें मैं मंडे को सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, है ना। चूँकि कोई खबर मैं बिना जो है तो प्रूफ और सबूत के साथ में ही ले आता हूँ, उसके बिना मैं नहीं ले आता हूँ, तो आप इस चीज़ को समझिए। दूसरा, जो रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं, रिजल्ट के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं कि 3 जून को लास्ट हुई थी। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर 3 ही फेस हुई थी, इस तारीख को खत्म हो गई थी, 4था फेस भी हुआ था, याद करिए 4था फेस भी हुआ था, जो स्पेशल लड़के बचे हुए थे। तो एग्जाम जब पूरी खत्म हो जाती है ना, एग्जाम खत्म हो जाने के 45 दिन आप लगा लीजिएगा, तो रिजल्ट बन रहा है, वेट करिए। लेटर में भले नहीं था, लेकिन एक स्पेशल जो है तो उसमें लिखा हुआ था कि सेकंड वीक में आ जाएगा, लेकिन जब 4था फेस हुआ, जब 4था फेस हुआ तो जनरली है कि वो फिर बढ़ जाएगा, 15 दिन बढ़ जाएगा। तो आपको 15 जून तो वैसे हो रहा, 15 जुलाई 20 जुलाई के बीच में वैसे हो रहा है आपका, तो तब तक में हो जाएगा, बन रहा है, सारी चीजें बन रही हैं। इतना जल्दी थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। सोचिए आप 2017 14 18 19 20 22 वालों का अभी रिजल्ट बचा हुआ है, अभी उन बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। आप लोग अभी जुम्मे 10-15 दिन 20 दिन पहले एग्जाम दिए हो और छटपटा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, हो रही हैं, हो जाने दीजिए, है ना। जल्दी छटपटाहट करोगे तो फिर वही किसी का माइनस, किसी को जीरो, किसी की मार्कशीट आएगी, किसी का नाम नहीं आएगा, किसी का फोटो नहीं आएगा, तो दबाव मत बनाइए आप। और रोज़ रोज़ यही न्यूज आप है कि न्यूज नहीं आ सकती, अलग न्यूज आएगी भी, तो अलग न्यूज भी देखना पड़ेगा, उसमें आपके न्यूज ढली रहेगी। स्पेशल जो न्यूज बनेंगी, जैसे मान के चलिए अफिलेशन की बनती है या आईटीआई वाले पे बनती है, पर उसमें भी आपकी न्यूज रहेगी, वो आपको देखना पड़ेगा, सो उसी में रहेगी, कोई स्पेशल आपके लिए न्यूज नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। 2014 से 17 वाले बोले, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम का देखिए NCVT MIS पोर्टल पर स्क्रॉल चल रहा है, देख लीजिए। ये मैंने ही डलवाया था कि सर आप डालिए, लड़के जो है तो मान नहीं रहे, उनको एक सबूत दे दीजिए। तो 20 जून को डला हुआ है कि ED प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ने के लिए, अगस्त और सितंबर में बोल रहे हैं, तो लास्ट अगस्त सितंबर वही सितंबर में ही एग्जाम होगा, तो इसमें सारे लोग जो बैक बचे हुए हो, सप्लीमेंट्री बचे हुए हो, सबका हो जाएगा। इसीलिए रिजल्ट भी जो है तो बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा, ताकि सप्लीमेंट्री वाले जो बच्चे इसमें भी बचे तो उनका एग्जाम भी हो जाए। सरकारें ऐसे देख रही हैं, अच्छा काम करें, लेकिन सबसे पहले जो है तो मेन एग्जाम करवाया जाएगा। अगस्त में मेन एग्जाम हो जाएगा, जुलाई अगस्त में हो जाएगा, उसके बाद ही सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। सर्टिफिकेट के लड़के बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट के लिए भी मैंने बता दिया था आपको, पहले भी बताया हुआ था, उसमें दो जो है तो ईमेल एड्रेस थे, एक विद्यानंद जी का था, एक जो है तो NCVT MIS पोर्टल वाला था, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट का करना था। रोज लड़के मेरे को मैसेज कर रहे हैं, डेली मैसेज कर रहे हैं कि हो रहे, तो आपका भी नंबर आएगा और आप करोगे। और अभी आप मेरे को अगर एक चीज मैं बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप पे आप सिर्फ प्रॉब्लम लिख करके छोड़ दीजिए ना, मैं देख लिया मतलब देख लिया, अब आप सर कब आएगा, क्या बात हुई, ऐसे आप बताइए कि मैं 7,000-8,000 स्टूडेंट को कैसे जवाब दे पाऊंगा, कैसे दे पाऊंगा आप बताइए, आप दे पाऊंगा जवाब क्या? अगर मैंने देख लिया तो मैं समझ गया, मैं नोट कर लेता हूं और वो चीज मैं DGT को भेज देता हूं। आपने जितने कमेंट किए थे वो सारे कमेंट मैंने उठा करके दे दिए, सर अभी भी देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर देखा गया, उस पर संज्ञान लिया गया, और हर चीज संज्ञान लेती। जब आप कमेंट करते हो YouTube पे तो वो नोडल भी देखता है, स्टेट भी देखता है, DGT भी देखती है, और वही सबूत होता है और वही आपके काम में आएगा, मैं इतना बता दे रहा हूं। आपके पास दो ही काम में आने वाले हैं, कोई काम में नहीं आने वाला है, ये शो का जो आप कमेंट करते हो और जो मेल करते हो, और जब मैं बताऊंगा तभी मेल करना है आपको, और हमेशा मेल 10 बजे से 5 बजे तक ही करना है, इसके बाद बिल्कुल भी मेल नहीं करना है, और अगर आप मेल करोगे तो बाउंस हो जाएगा, वो मेल नहीं देखा जाएगा। हम जब बताते हैं सर को कि सर ये मेल आया है, इतने बजे तक मेल आएगा, तो वो निकाल लेंगे। एक एक मेल अगर पूरी रात पूरे दिन करते रहोगे तो कोई देखने वाला नहीं है। मैं जब बोलता हूं कि सर ये 10 बजे से 5 बजे तक इस तारीख को जो मेल किया गया है, वही मेल का डेटा निकाला जाता है और उसी को एनालिसिस किया जाता है। तो इसलिए शांति बनाए रखिए आप लोग। अभी मंडे को जो न्यूज आएगी, मंडे को जो मैं दूंगा न्यूज सुबह आपको, तब आपको मैं बताऊंगा, है ना। हर घंटे अपडेट नहीं हो सकता है। और हमेशा एक चीज, हाँ एक चीज सुन लीजिए, हमारे पास हमेशा न्यूज रात को 10 बजे आती है, हमारे सूत्र 10 बजे तक में न्यूज देते हैं, तो 10 बजे के बाद ही शूटिंग होती है, और हमेशा दूसरे दिन सुबह ही मिलेगी आपको।
अब इस बीच में लीक हो जाती है, हम ही लीक कर देते हैं भाई, हमसे लड़के आप लोग पूछते हो, फिर आप लोग यूट्यूबरों को बता देते हो, तो 10-10 वीडियो बना देते हैं और जानते समझते नहीं है, कुछ भी कर देते हैं वो, ठीक है, तो वो कुछ भी कर देते, कुछ भी बोलने लगते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है कि किन का वीडियो देखना है, किन का नहीं देखना है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। और मैं बोल रहा हूं कि YouTube पे अगर आपको जवाब चाहिए कि सर मेरे को जवाब दीजिए, देखिए कुछ चीजों का ही मैं जवाब दे सकता हूं, कुछ चीजों को डीजीटी के लिए मैं छोड़ देता हूं जवाब के लिए, ये आप लिख के ले लीजिए, कभी मैं जवाब देता हूं, कभी मैं जवाब नहीं देता हूं, उसका कारण समझिए, उस पर भी कुछ व्यूहरचना होती है, उसका भी एक प्रोटोकॉल है। हम ही सब कुछ करने लगेंगे ना, तो फिर डीजीटी बोल देगी कि आप ही हो सब कुछ, आप ही सब कुछ कर लो, रिजल्ट निकाल लो। आपका सिर्फ मेरा काम है आवाज उठाना और आपके आवाज को वहां पे रखना और सलूशन करवाना, इसके अलावा मेरा काम नहीं है कि मैं आपको जवाब दूं। अब जो आपके सवाल का जवाब वहां से मेरे को मिलता है तो मैं आपको सोपे ही जवाब देता हूं और सोपे ही दूंगा जवाब भाई। व्हाट्सएप पे जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, फोन पे जवाब नहीं दे पाऊंगा, नंबर मैंने इसलिए रखा है कि इमरजेंसी में अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं खुद फोन लगाता हूं, खुद फोन लगाता हूं आपको, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं खुद फोन लगाऊंगा, खुद आपको करूंगा, खुद बताऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप सर रिजल्ट मेरा नहीं आया, नहीं, और जो नए लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि आप लोग व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए और प्रॉब्लम लिखने के बाद मैं आपको फोन करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, या दूसरे दिन या तीसरे दिन जो शो में आएगा सवाल जवाब का, तो वही होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से -10 CVT डाटा नॉट अपलोड हो रहा है, वेट कर लीजिए। करें कितना वेट करें, ऑप्शन क्या है, मत वेट करो, सप्लीमेंट्री के लिए चले जाओ, जैसे आप सवाल करते हो वैसे मैं जवाब दे रहा हूं कि मत करो वेट, क्यों वेट कर रहे हो, सप्लीमेंट्री के लिए तैयारी करो, ठीक है। और जो वेट कर रहे हो वो फल पाओगे, जो नहीं कर रहे हो वेट सप्लीमेंट्री करो भाई, कौन बोल रहा है, ना डीजीटी बोल रही है, ना कोई बोल रहा, ना हम बोल रहे हैं, मत करो वेट। आपने गलती किसकी है, आपकी गलती, मैं तो सारी गलती आपके ऊपर देता हूं। क्यों आप ऐसे ITI में एडमिशन लिए थे, क्यों पास होने की गारंटी वाले ITI में लिए थे, क्यों फीस नहीं जमा की थी, क्यों रोज पढ़ने नहीं गए थे, क्यों ऐसी नौबतें आएंगी आपके पास, क्यों ITI वाला साथ नहीं दे रहा है आपका, कुछ कारण होगा ना। सारी गलती तो DGT और ITI की भी नहीं हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, और आपकी है, आप मानिए हो ना मानिए, और मैं तो सही बोलता हूं, सच बोलता हूं, मैं डरता थोड़ी हूं कि मेरे में सब्सक्राइबर घट जाएंगे या मेरे में व्यू घट जाएंगे तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा या मेरी दुकान चल रही है इससे थोड़ी मेरी दुकान चल रही है, ये तो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, चलता रहेगा, कोई देखे या ना देखे, आप नहीं देखोगे तो दूसरा देखेगा, दूसरा नहीं देखोगे तो तीसरा देखेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जिस तरह से जवाब देते हो ना, जिस तरह से आप बोल देते हो ना, तो मेरे पास भी बोलने का, फिर आप नहीं बोल पाओगे, कौन बोल रहा है इंतजार करने के लिए, कितना इंतजार कर डाले हो, मत करो इंतजार, सीधे सीधे सप्लीमेंट्री का तैयारी करो, इतने होशियार हो तो, और नहीं तो बाकी को क्यों भका रहे हो आप लोग, बाकी जो कर रहे हैं, रोज रिजल्ट निकल रहा है, डेली निकल रहा है रिजल्ट, हर लड़का कमेंट नहीं कर रहा है कि हमारा रिजल्ट निकल आया है, तो आप वो मान लोगे, और ये तो लड़के हैं, आप भी जानते हो कि जिनका काम का हो गया वो निकल जाते हैं, उनको फिर क्या जरूरत है चैनल की, काम हो गया, जो पुराने जितने लोगों काम हो गया इसके बाद वो भूल जाते हैं कि वीरेंद्र सिंह भी है कोई या चैनल भी है कोई, वो सब भूल जाते हैं, आगे आप भी भूल जाओगे, आप अभी तब तक देख रहे हो जब तक आपका काम फंसा है, इसके बाद आप भी निकल जाओगे। तो जवाब देते मेरे से भी बनता है ना, आप भर से नहीं बनता है कि जवाब आप भर देते हो। आवाज तक के लिए इतना है, आगे फिर से किसी नए मुद्दे पर आऊंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जो आंदोलन हो रहा है आप लोग भाई कर रहे हैं, उसको मना करिए, ये गलत बात है, आंदोलन में तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, इसके समर्थन मत करिए और लोगों का अवेयरनेस करिए कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। आप अपनी बात जो है तो अच्छे से कहें, अपने CM से कहें, विधायक से कहें, और सांसद से कहें, कलेक्टर से कहें, जाकर के ज्ञापन दें। और ट्विटर पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, देश की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आना पड़ता है, और हिंसा नहीं, अहिंसा गांधीवाद से। और कभी भी गुरु घंटाल, यूट्यूबर और नेताओं के बहकावे पे मत आइए, भविष्य आपका खराब होगा,
डिग्री डिप्लोमा आपके खराब होंगे, माँ बाप आपके परेशान होंगे, जेल आप जाओगे, मुकदमा आपके ऊपर होगा, इनके ऊपर नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हो। आज का दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपके लिए बहुत बेहतर हो और आप वास्तव में बहुत अच्छे हो और आपके अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और उनका ध्यान दीजिए, आसपास सफाई रखिए। और कोरोना थोड़ा सा बढ़ रहा है, मास्क जरूर लगाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।